नफरत की सियासत ने मुल्क तकसीम कर दिया, मौका दिया तो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंतकामी सियासत नहीं होगी, कोई सियासी कैदी नहीं होगा। दस निकाती एजेंडे पर खुद अमल करूंगा। बिलावल भुट्टो का चिनौट में जलसे से ऐलान। पीटीआई कारकुनों को खबरदार किया, नवाज शरीफ इकतदार में आकर जो इंतकाम लेंगे उसका अंदाज़ा नहीं है। चौथी बार वजीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद ने तीन बार में क्या किया। बहन बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सकाफत नहीं। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मोटरवे बनाए, आवाम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ था। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शरकिया में जलसे से खिताब। कहा 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की रोकी गई। नवाज शरीफ ने अपने दौर में जनूबी पंजाब की खिदमत की। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात होगी। वफाकी हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। वज़ारत दाखिला की पाक फ़ौज की फराहमी की समरी काबीना को मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 अहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया था। पाक फ़ौज के अलावा रेंजर्स और एफ़सी अहलकार भी आम इंतखाबात के दौरान ड्यूटी देंगे। फ़ौज निगरान काबीना की मंजूरी के बाद तैनात की जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फरीकैन से तहरीरी दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, टॉस करके तो सच झूठ का तायुन नहीं हो सकता। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। मसला एक शख्स को रिलीफ देने का नहीं, इदारों की इज्जत का है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाजुन खराब ना हो। जज के तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकरीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मुकालमा। कहा, मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए निकात का है। अदलिया की बेतौकीरी का मामला कहां से आ गया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने शोहरत हासिल करने के लिए तो तकरीर नहीं की होगी, इसमें सियासत कहाँ से आ गई। कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी केस में रिमार्क्स। कहा, हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमे समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। गुज़िश्ता हिसाब लेकर रहेंगे, जिसने भी आइन तोड़ा है उसे नतायज भुगतना होंगे। स्टे ऑर्डर लेकर रुकने असम्बली कैसे बने, दस्तावेजात के साथ जवाब जमा कराएँ। लश्करी रईसानी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की भी तलबी। मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फंड्स इलेक्शन की तकमील तक मुंजमद रहेंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटाएंगे, इलेक्शन तक सफाई और सैनिटेशन का काम होगा। नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं किया जा सकेगा। जुल्म की सियाह रात खत्म होने वाली है। हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के तासुब ने पंजाब जाकर नून लीग से राबते पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची जैसा बनाऊँगा, मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे। वफाकी काबीना इजलास में बिजली नादहंदगान से वसूलियों के ऑप्शंस पर गौर। पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का मंसूबा मुस्तरद। बिजली नादहंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद ना करने की सिफारिश रद्द। बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट ना खोलने की तजवीज़ भी कबूल नहीं की गई। पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफीन के मुकाबले में बेहतर माशी कारकर्दगी दिखाई। आलमी मालियाती खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एतराफ़। तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक तीन दिहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। माशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।